हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिशनल मॉम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे आज के वीडियो में मैं आपके लिए माइक्रोवेव में भुट्टे उबालने का एक बहुत ही अनोखा तरीका लेकर आई हूँ, जिसमें 5 से 10 मिनट का समय लगता है और हम फटाफट उबले भुट्टों का आनंद उठा सकते हैं। उसका स्वाद भी लाजवाब होता है। आप इस पर नमक और नींबू लगाकर या खट्टी मीठी चटनी के साथ खा सकते हैं। मैं तो इसे यूं ही पसंद करती हूँ, क्योंकि इस तरीके से उबालने से इसमें एक कुछ डिफरेंट सा मिठास आ जाता है, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और इस तरीके से उबालने पर इसके पोषक तत्व भी नष्ट नहीं होते हैं, तो आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई करें। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए मैंने भुट्टे को वॉश करके ले लिया है। हम इसकी थोड़ी सी लेयर कम कर लेंगे ऐसे। अब हम अपने भुट्टे को इस तरीके से बीच में से कट कर देंगे, इसके पत्तों सहित। हम इसको ऐसे रखेंगे। ऐसे ही हम अपने दूसरे भुट्टे को भी करेंगे, इसके थोड़े पत्ते कम करके। और इसको भी ये अगर बहुत लंबा है तो हम इसको यहाँ से ऐसे कट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसको ढक देंगे। अब हम अपने माइक्रोवेव को ऑन करते हैं। और अब हम इसे 7 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए लगा देंगे। हमारे भुट्टे उबल गए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। इसमें मैंने कोई पानी नहीं डाला है, ये बिल्कुल स्टीम में ही उबले हैं। और इस तरीके से उबालने पर इनकी मिठास और भी बढ़ जाती है। इसका दाना लेकर हम चेक कर लेंगे कि ये अच्छे से पक गया है। ये भी थोड़ा ठंडा हो जाए, इसके बाद मैं चेक करती हूँ। ये देखिए साइड में से हम एक छोटा सा दाना लेकर उसको चेक कर लेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे से गल गया है, ये बिल्कुल पक गया है अच्छे से। और अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इस पर कोई चटनी लगाकर खाएं या ऐसे ही खाएं। इसमें कुदरती मिठास होती है, जो इस तरीके से उबालने पर इसमें अंदर ही रहती है और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। कुकिंग से रिलेटेड मेरी कुछ वीडियो मेरे चैनल पर पहले से ही अवेलेबल है, जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लें। थैंक यू।